तो बाबा ने हमें जो मनसा की पवित्रता बताई, मनसा की पवित्रता का मतलब यह है मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जानकारी दी है कि जैसा ब्राह्मण बच्चे मलेच्छ का भोजन कभी खा नहीं सकते, उसी प्रकार जो विकल्प है, विकारों के अधीन संकल्प है, वो ब्राह्मण बच्चे कभी उठा नहीं सकते, क्योंकि संकल्प ये बुद्धि का भोजन, मन का भोजन। तो जैसा वो हमारे पास अन्न की परहेज है, वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को मनसा के लिए, बुद्धि के लिए संकल्पों की परहेज सिखाई है। शुरू शुरू में यज्ञ में जब कराची में स्थापना हुई, उसके बाद भी जब यहाँ आए, तो बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे अगर समझो मन में कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, वाणी और कर्म में नहीं आए। परंतु मम्मा हमें पहले दिन से सावधान करती थी कि आप ऐसा नहीं समझना कि मन में आएगा तो कोई अर्जा नहीं है। आज आप छोटे छोटे होने के कारण बच्चे आपको बाबा छूट देता है, परंतु एक दिन यही बाबा आपको कहेगा कि मनसा में विकल्प व्यर्थ संकल्प आना भी पाप। तो पहले से ही आप लोग इस बात की सावधानी रखो, और मम्मा ने पहले दिन से इस बात की खुद के लिए सावधानी रखी, इसीलिए हम देखते हैं इतनी छोटी आयु में और इतना जल्दी मम्मा अव्यक्त हो गई। तो मन का जो भोजन संकल्प है, उन संकल्पों के ऊपर हमें बहुत बहुत ध्यान देना, क्योंकि संकल्प ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचे, एक संकल्प उठा और उसने सारी सृष्टि रच दी। अगर ब्रह्मा के संकल्प में इतनी ताकत है, तो हम ब्राह्मणों के संकल्प में भी वो ताकत। तो अगर हम निगेटिव संकल्प उठाते हैं, अगर हम व्यर्थ संकल्प उठाते हैं, अगर हम फालतू संकल्प उठाते हैं, तो ये है अपवित्र। तो बाबा ने हमें शुद्ध संकल्प उठाना सिखाया। इसीलिए आप देखो सरस्वती को हमेशा हंस वाहिनी बताया जाता है। हंस वाहिनी अर्थात हंस ही पवित्रता का प्रतीक। तो हमें हमेशा पवित्र श्रेष्ठ संकल्प उठाने हैं, हमेशा हमारे को पॉजिटिव संकल्प उठाने हैं, हमें ज्ञान युक्त संकल्प उठाने हैं, कभी भी हमें निगेटिव संकल्प नहीं उठाने, चाहे खुद के लिए अशुद्ध संकल्प, चाहे अन्य के लिए अशुद्ध संकल्प। बाबा कहता है इसको टच करना ही नहीं हुआ, आप मन और बुद्धि से इन संकल्पों को टच नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये हम बच्चों को विशेष मनसा की पवित्रता बताई।